नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें डीसीएम से उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की अपील। वाल्मीकि निगम घोटाला, आरोपियों से 16 केजी सोना, 2.5 करोड़ की नकदी जब्त। आपराधिक धन से खरीदी लैम्बोर्गिनी फ्लैट। कर्नाटका का हक कभी नहीं मारा, 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए दिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का दावा। गढ़चिरौली में बाढ़ के आगे एनडीआरएफ पस्त, रेस्क्यू के दौरान आई मुश्किलें, कंधे पर उठाकर ले गए नाम। पहली बार 1.50 लाख करोड़ के पार खादी कारोबार, बिक्री में 400% इजाफा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही बात। 4 साल बाद आपको दोबारा वोट नहीं करना पड़ेगा, राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईसाइयों से बोले डोनाल्ड ट्रंप। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कैबिनेट सहयोगियों से कहा है कि वे आसपास के प्रभावित इलाकों का दौरा करें, लोगों की समस्याएं सुनें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। शिव कुमार ने अपील की कि इस साल राज्य में भारी बारिश हो रही है और राज्य की नदियां बाढ़ से उफान पर हैं। अधिकांश जलाशय भरे हुए हैं और पानी का बहिर्वाह बढ़ गया है, जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। नदी से प्रभावित लोगों, मवेशियों, संपत्ति और फसलों को नुकसान की खबरें हैं। ऐसे कठिन समय में लोगों के साथ खड़ा रहना हमारी सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए मंत्री के सहयोगियों ने अनुरोध किया है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों से मिले, पीड़ितों की रिपोर्ट प्राप्त करें और उनकी सहायता के लिए आगे आएं। वरुण की कृपा से अच्छी वर्षा होती है, जो घटनाएं हुई हैं उससे लोग चिंतित हैं और हमने जनता के प्रतिनिधि के तौर पर कहा है कि हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच के क्रम में विशेष जांच दल ने 2 आरोपियों से 16 किलो सोना और 2.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। दोनों को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया। एसआईटी से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने शनिवार को बताया कि हाल ही में छापेमारी की गई थी। सत्यनारायण वर्मा के घर से 15 किलो सोना बरामद किया गया है। वर्मा ने कबूल किया है कि उसने अपराध से प्राप्त धन से लैम्बोर्गिनी कार खरीदी थी। वही काकी श्रीनिवास राव के पास से 1 किलो सोना बरामद किया गया है। इसके अलावा एक बिल्डर के पास से 2.5 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं, जिसे वर्मा ने एक आलीशान फ्लैट खरीदने के लिए कथित तौर पर भुगतान किया था। बिल्डर से संपर्क करने पर उसने तुरंत रकम लौटा दी। जानकारी के अनुसार वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला लगभग 187.33 करोड़ रुपए का है, जहां सरकारी खजाने में 40 करोड़ रुपए सहित विभिन्न खातों में रखे गए पैसे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमजी रोड शाखा में भेज दिया गया था। 187.33 करोड़ रुपए में से 88.63 करोड़ रुपए अवैध रूप से 18 फर्मों सहित तेलंगाना में कम से कम 217 विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि हमने कर्नाटका का हक कभी नहीं मारा। केंद्र सरकार को लेकर कर्नाटका सरकार काफी गलत जानकारी लोगों को दे रही है। हमने 10 साल में कर्नाटका के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं, जबकि यूपीए सरकार ने केवल 81,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था। बेंगलुरु में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर्नाटका को केंद्र सरकार ने काफी बजट दिया है, लेकिन कर्नाटका सरकार लोगों को गलत जानकारी दे रही है। लोगों से कहा जाता है कि कर्नाटका का हक मारा जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती। मैं जवाब देना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार जो कर रही है उससे किसी का भला नहीं हो रहा है, ना तो केंद्र सरकार का और न ही कर्नाटक के लोगों का। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक को 2004 से 2014 के बीच जब दिल्ली में यूपीए सरकार थी तब 10 वर्षों में केवल 81,791 करोड़ रुपए मिले, जबकि 2014 से 24 के बीच पीएम मोदी की सरकार में 10 वर्षों के दौरान कर्नाटक को 2,95,818 करोड़ रुपए मिले। वहीं यूपीए ने महज 60,779 करोड़ रुपए सहायता अनुदान दिया। वहीं पीएम मोदी सरकार ने 10 वर्षों में 2,49,955 करोड़ रुपए अनुदान दिया। कर्नाटक के हावेरी में तहसीलदार कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को अब बारिश के मौसम में टपकती छत से खुद को बचाने के लिए इमारत के अंदर भी छाता रखना पड़ता है। टपकती छत के कारण कर्मचारियों के पास काम करने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यह इमारत पिछले कुछ वर्षों से जर्जर हालत में है, लेकिन इमारत की मरम्मत या इसे स्थानांतरित करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारियों से कार्यालय को उस इमारत में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है, जहां कभी एक कर्मचारी ने कहा कि बरसात का मौसम शुरू होने के बाद से ही छत से पानी टपक रहा है। एक कर्मचारी ने कहा, हमने जगह जगह बाल्टियां रखी हैं, हम वास्तव में रिकॉर्ड रूम में दरारों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इससे फाइलों को नुकसान हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अक्सर ही अपने फैसलों और बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं। अब उन्होंने देश में विकलांगता को लेकर लोगों के नजरिए में आ रहे अच्छे बदलाव पर खुशी जाहिर करते हुए इसकी तारीफ की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने शनिवार को बेंगलुरु में इंडियन एक्सेसिबिलिटी समिट एंड स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर्स कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकलांगता के प्रति हमारे नजरिए में काफी बदलाव आया है। यह बदलाव ट्रेनिंग, सार्वजनिक बैठकों और नीति निर्माण से आया है। सीजेआई ने कहा कि विकलांगता को लेकर हमारे नजरिए में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमियों में विकलांगता के बारे में संवेदनशीलता पैदा करने वाला समर्पित मॉड्यूल है। कुछ राज्यों में राज्य आयुक्त सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने और लोगों के वास्तविक अनुभवों के आधार पर नीति निर्माण के लिए सार्वजनिक बैठकें कर रहे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बाढ़ के मद्देनजर जिले में एनडीआरएफ और पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है। गढ़चिरौली जिले में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहां नदी और नाले उफान पर हैं। बाढ़ के कारण कई गांव डूब गए हैं, जिस वजह से स्थानीय लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ को बाढ़ के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम को कुछ ग्रामीणों के खेतों में फंसे होने की जानकारी मिली थी, लेकिन कीचड़ और पानी का तेज बहाव होने के कारण उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आईं। इसके बाद वह 1 किलोमीटर दूर तक नाव को कंधे पर उठाकर लेकर गए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम के जवान खेत तक पहुंचे और ग्रामीणों को रेस्क्यू किया। फिलहाल गढ़चिरौली प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बाढ़ के हालातों के चलते एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मार्गों को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि खादी की बिक्री में 400% की वृद्धि हुई है और खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 112वीं कड़ी में मोदी ने देशवासियों से खादी के कपड़े खरीदने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुए आनंद महसूस हो रहा है कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सोचिए 1.5 लाख करोड़ रुपए, और जानते हैं खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है, 400%। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी और हैंडलूम उत्पादों की बढ़ती बिक्री देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है, और चूंकि इससे महिलाएं सबसे ज्यादा जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हो रहा है। अगस्त के महीने को आजादी का महीना करार देते हुए मोदी ने कहा कि लोगों के पास भांति भांति के वस्त्र होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने यदि खादी के वस्त्र नहीं खरीदे हैं तो वे इस साल से ही इनकी खरीदारी शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दाव चल दिया है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। कयास लग रहे थे कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, लेकिन उन्होंने माता प्रसाद का नाम आगे कर सभी को चौंका दिया। अखिलेश यादव ने सांसद बनने के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा तेज थी। लोग मान बैठे थे कि यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव की जगह शिवपाल यादव ही लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद को नेता विपक्ष बनाकर सभी को चौंका दिया। जनपद मुरादाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में करवान ए इतिहाद द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाने का विरोध जताया गया। इसके साथ ही आगामी 10 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, और अनुच्छेद 300 पर धार्मिक प्रतिबंध हटाने की मांग भी की जाएगी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय संयोजक जिशान हैदर मलिक ने
कहा है कि अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाने के विरोध में दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि 10 अगस्त 1950 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक आदेश कराकर देश के अनुसूचित मुसलमानों को आरक्षण से वंचित कर दिया था, जिसको लेकर अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाने के विरोध में आगामी 10 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर देश के कई बड़े संगठनों राजनीतिक दलों द्वारा इस लड़ाई को एक आंदोलन की शक्ल में लड़ा जाएगा और अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध हटाने की मांग भी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद, युवा जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नसीर इदरीसी, नेशनल अमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनवर सलीम, सर्व मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ इकरार भारतीय, सामाजिक कार्यकर्ता साहिल शमसी आदि लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो धारा 341 पे जो धार्मिक प्रतिबंध जो है कांग्रेस सरकार ने लगाया है उसके विरोध में है कि ये धार्मिक प्रतिबंध हमारा हटाया जाए, क्योंकि जब आप मजहब के बुनियाद पे जब हमको आरक्षण दे नहीं सकते तो हमारा आरक्षण छीना क्यों गया। और 10 अगस्त को हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे एक धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लगभग 200 से 250 लोग इसमें दिल्ली जंतर मंतर पर हमारे लोग शामिल रहेंगे और ये एक दिवसीय धरना होगा कि धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाया जाए। देखिए, इसकी जो है लगभग 20-22 साल हो गए हैं, लगभग हमारे लोग सड़कों पे और जो है कानून सुप्रीम कोर्ट में जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये है कि केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है कि इसको जो है रिजर्वेशन को जो है जो हमारा जो कोटा हमारा बना था उसमें जो है 10 अगस्त 1950 को इसमें जो है धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया, इसको जो है प्रतिबंध को हटाया जाए। इसकी मांग लगभग कब से चल रही है और इसमें कौन कौन से दल शामिल रहेंगे, किस स्तर का धरना प्रदर्शन रहेगा? देखिए, लगभग ये है कि राष्ट्रीय स्तर का धरना प्रदर्शन है और इसमें लगभग जो है 10-12 पॉलिटिकल पार्टियां और जो है कुछ सामाजिक तंजीमें जो है इसमें रहेंगी। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने घोषणा कर दी है कि वह कब अपनी राजनीति पार्टी का ऐलान करेंगे। पिछले काफी समय से उनकी पार्टी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी पार्टी पहला चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ेगी। बिहार की राजधानी पटना में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को वह अपनी पार्टी बनाएंगे और उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पटना में जनसुराज की स्टेट लेवल वर्कशॉप में प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया है कि वह 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी बनाने से पहले पटना के बापू सभागार में जनसुराज के कार्यकर्ताओं का महाजुटान हुआ। प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी का नेता कौन होगा यह भी लोग तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुराज प्रशांत किशोर या किसी जाति या किसी परिवार या व्यक्ति का नहीं बल्कि बिहार के लोगों का दल होगा जो इसे मिलकर बनाएंगे। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली में नजफगढ़ मोड़ पर एक क्लस्टर बस में बम होने की सूचना मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार शनिवार रात 11:55 पर एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि रूट नंबर 961 की एक क्लस्टर बस में बम होने की आशंका है। यह बस नरेला और इजाबगढ़ के बीच चलती है। इसके बाद आनन फानन में 2 दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया, साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ ही बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। बस के कंडक्टर दीवान सिंह ने बताया कि हम नांगलोई से चले थे, तिलंगपुर कोटाला में 10 से 12 यात्री उतरे थे, उनकी सीटों के नीचे हमने बम जैसा कुछ देखा। इसके बाद हमने बस रोकी और सवारियों को नीचे उतारा और फिर हमने 100 नंबर डायल किया। उसके बाद पीसीआर पहुंची और उन्होंने बहुत सहयोग किया।
और इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार बस में कुछ सामग्री मिली जिसके चारों ओर तार लिपटे हुए थे। हालांकि आगे की जांच जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी और मोदी सरकार द्वारा जेल में उनके स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर 30 जुलाई को जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ संदीप पाठक और वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप पांडे, जनरल सिंह, गुलाब सिंह, जितेंद्र सिंह तोमर, राजेश गुप्ता और कुलदीप कुमार के साथ अहम बैठक की। इसके अलावा संगठन प्रदेश के संगठन मंत्रियों, जिला अध्यक्षों, जिला सचिवों और पार्टी की सभी विंगों के अध्यक्षों के साथ भी बैठक की गई। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ईसाइयों से कहा है कि यदि वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वो उन्हें वोट देंगे तो वह सब कुछ इतना ठीक कर देंगे कि उन्हें दोबारा वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने फ्लोरिडा में रूढ़िवादी समूह टर्निंग प्वाइंट एक्शन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। ट्रंप ने सभी ईसाइयों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी को बाहर निकलकर वोट करना है, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस और साल और फिर सभी चीजें ठीक होगी। मेरे खूबसूरत ईसाई लोगों, आपको इसके बाद दोबारा वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी से मैं प्यार करता हूं, मैं भी ईसाई हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। आपको बाहर जाना है और वोट करना है। आने वाले 4 सालों में आपको दोबारा वोट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब चीजें सही कर देंगे और सब चीजें इतनी अच्छी होंगी कि आपको दोबारा वोट नहीं देना पड़ेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें डीसीएम से उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अपील। वाल्मीकि निगम घोटाला, आरोपियों से 16 केजी सोना, 2.5 करोड़ की नकदी जब्त। आपराधिक धन से खरीदी लैम्बोर्गिनी फ्लैट। कर्नाटका का हक कभी नहीं मारा, 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए दिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का दावा। गढ़चिरौली में बाढ़ के आगे एनडीआरएफ फर्स्ट, रेस्क्यू के दौरान आई मुश्किलें कंधे पर उठाकर ले गए नाम। पहली बार 1.50 लाख करोड़ के पार खादी कारोबार, बिक्री में 400% इजाफा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। 4 साल बाद आपको दोबारा वोट नहीं करना पड़ेगा, राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईसाइयों से बोले डोनाल्ड ट्रंप। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।